ਹਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ डंडे उठा के आ गई हैं, डंडे पे चल रही हैं। नहीं वो चक्कर आ रहा है, अंदर कुछ हो ना, ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय जो है मिल चुकी है, अभी चाय पीते हैं। जिस किसी ने चाय पीनी है तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और असलम भाई भी हैं, एलईडी जो है ना उन्होंने उतार ली है। रात को जो है ना मैंने पहली खुराक खा ली थी, तो डोलू मोलू गोलू बैठा है, इसकी चाय आ चुकी है। और ये होगी जैनब की जाय। ये देखें जैनब और बीबी, बीबी इधर देखना। और यहाँ पे जी ढोला और ढोले की अम्मी जो है यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे बड़े सब ठीक ठाक हैं। और मेरी तबीयत जो है ना कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक का करम है। जैसा कि रात वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपने मुकम्मल जो है ना मुकम्मल तो नहीं कुछ टेस्ट करवाए थे। जो मेरी बीमारी है वो भी आप लोग के साथ, जो रिपोर्टें कह रही थी मेरी बीमारी की वो भी आप लोग के साथ मैंने शेयर कर दिया। और दवाई जो है वो भी मैंने ले ली है। रात को जो है ना मैंने पहली खुराक खा ली थी, तो मजीद जो है ना दवाई खानी है। आप लोगों ने दुआ करनी है कि जल्द से जल्द मैं सेहतयाब हो जाऊँ और मेरी तमाम परेशानी मुसीबत जो है ना वो दूर हो जाए, आमीन। तो आज माशाल्लाह जुम्मे का दिन है, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को जुम्मे को मुबारक। एक नेक इस नेक दिन के सबके अल्लाह पाक तमाम मुसलमान की परेशानियां बीमारियां मुसीबतें दूर फरमाए, आमीन। तो अभी जो है मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए चाय, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो इसलिए मैं ना अपने आप को कुछ जो है ना काम में और चलने फिरने में कुछ लगा रही हूँ। क्योंकि वैसे तो मेरी तबीयत इतनी बन चुकी थी, ना मैं बैठ सकती थी ना मैं चल सकती थी। और कल का मुझे जैसे पता चला है कि मेरी शुगर जो है ना वो हाई हो चुकी है और मेरे जिगर के ऊपर जो है ना वो चर्बी आ गई है, तो इसलिए मेरा मैदा भी मुतासर हो गया है। मैदा भी इसलिए जो है ना वो हीट कर गया है। और जो है ना तमाम खाने पीने की मैंने एहतियात करनी है और दवाइयाँ भी साथ साथ चल रही हैं। और मुझको कहा गया है कि जितनी हो सके आप चलो फिरो, दवाइयों से चलने फिरने से ज़्यादा फायदा होता है। तो मैंने सुबह की वॉक भी की है और अभी जो है ना कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सकेगा काम करूँगी, चलो फिरूँगी तो मेरी तबीयत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने दुआएँ करनी है, आगे का जो भी होगा वो भी आप लोग के साथ शेयर करें। यहाँ पर जो है आटा गूना जा रहा है और इधर जो है चाय रेडी हो चुकी है और साथ में ये बच्चे बैठे हैं। डोलू मोलू गोलू बैठा है, इसकी चाय आ चुकी है। और ये होगी जैनब की, जैनब अभी नहा के आई है। ये देखें यूनिफॉर्म इन्होंने पहन लिया है और कंघा जो है नहीं दिया, मैंने कहा है पहले नाश्ता कर लो। ये ऊपर नहीं गिराना, वो देखो आप गिरा रही हो, इसलिए मैं कहती हूँ कि यूनिफॉर्म उस वक्त पहनना चाहिए जब आप स्कूल जाते हो, खाने पीने में आप लोग एहतियात नहीं करते। और साथ में बैठा है मेहरान साहब, इन्होंने भी नहा लिया है और आगे इनकी चाय। और ये बैठी है बीबी, चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो, आप भी खा लो फिर आपको तैयार करती हूँ, रोना नहीं है ठीक है। और इधर से आ गया नूर मोहम्मद, हाँ आप रेडी नहीं हुए? क्यों क्यों नहीं रेडी हुए? अभी खीर पे थे। हाँ? अभी खीर पे थे। अच्छा, मेरे देखने वालों को दुआ सलाम कर दो और चैनल के बारे में भी बता दो। कैसे हो? ठीक हो? और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और चैनल शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। हाँ जी, आप किस लिए आए थे? काम था कि वैसे आए थे? वैसे। ठीक हो गया, अभी ना टाइम हो गया है 7:30,
7:35 हो गए हैं, जल्दी से आप तैयारी पकड़ो फिर चलो स्कूल, ठीक है। इधर पे सब लोग रेडी हो चुके हैं, अभी रहती है बीबी, बीबी चाय पापा खा लेगी फिर ये भी तैयार होके चली जाएगी। इनकी यूनिफॉर्म इस्त्री हुई पड़ी है ना? ठीक हो गया। मैं ना आप ये नाश्ता करके अपने टिफिन बोतलें पानी की बैग उठाना, जाहिर अपने तैयारी करनी है आपने करनी है और बीबी को तैयार करना है, मैं आपके लिए रोटी बना लूंगी, ठीक है। ये देखें दादा और बीबी, बीबी इधर देखना ढोलू, ये जा रोटी खा रहे हैं, मैंने जा खा लिया और अम्मी यहाँ पे पका रही है और टिफिन भी पैक हो चुके हैं। रोटी मैं बना रही हूँ और आपके जो है ना, आपने कहा है कि मैं इधर खाना खा के जाऊंगा, मेरा टिफिन पैक नहीं करना। हाँ जी। और आपका टिफिन वैसे पड़ा है, उन्होंने पैक नहीं किया और बीबी का और जैनब का टिफिन पैक हो चुका है और साथ में पानी की बोतलें भी रखी हैं। हाँ जी। और आपने तो बैग उठा लिया है। हाँ जी। देखने वालों को भी दिखा दो आपका बैग कहाँ है। ये देखिए ये है। और साथ में हाजरा भी आ चुकी है। ये है हाजरा, इधर आ जाओ। आप तैयार हो के आ चुकी हो? आपकी पानी वाली बोतल और खाने वाला टिफिन कहाँ है? बोतल आपकी नहीं है। वो कहते वो पानी भी नहीं लेकर के आई और रोटी भी, वो कहते हैं 11 बजे रात सुबह छुट्टी आ जा रही है, टीचर कहते हैं जुम्मे को भी 11 बजे। चलो ठीक हो गया, तो इसलिए ये बीबी है ना छोटी है। हाँ जी। तो ये न्यू डे स्कूल जाना है, उन्होंने स्टार्ट किया है तो फिर इसको प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है, तो इसलिए ये खाना अपना साथ लेकर जाती है, जितनी तलब होती है वो खा लेती है, बाकी का घर ले आती है। तो अभी ये कह रही थी कि हमने इधर भी खाना खाना है, मैंने कहा चलो जल्दी से खा लो फिर चले जाने, और साथ में बख्तावर भी रेडी होके आ चुकी है। दो रोटियाँ एक तो बन चुकी है, एक अभी बना रही हूँ बन जाए। आपकी मम्मा ने अभी तक नहीं बनाया? नहीं। आज शायद से वो आज फ्रेश आ रहे थे सुबह से। अच्छा चलो एक बन चुकी है और दूसरी मैं बना लूँ, और बख्तावर जो रोटी लेने आ जाए, जब लेकर जाना स्कूल, आज इनकी मम्मा को होगी लेट और इन्होंने खाना नहीं बनाया। और नाश्ता कर लिया है? दूध और बिस्किट के साथ। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, खाना खा। अस्सलामु अलैकुम मसाद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और असलम भाई भी हैं, एलईडी जो है ना उन्होंने उतार ली है। क्या आप एलईडी ऊपर ले जाएंगे क्या? अच्छा ओए होए होए, ये तो गलत बात। आज खुद कर दी थी, आपने की थी? बच्चे बच्चे वो नहीं चलाते, बच्चे सेवा नहीं चलाते, यूट्यूब चलाते हैं। हाँ जी, बच्चे जो यूट्यूब चलाते रहते हैं जी, बात बोल करना ये करना इंटरनेट पे, बाकी के वो चैनल मैनल में नहीं जाते, आपको पता चलता है। तो बाकी जो है फिर फेट शेट कर लें, आज पाकिस्तान का मैच है, टाइम पर जो है ना यहाँ पर लगा हुआ हो बड़ा बस सही है, फिर इसको कंप्लीट करें। और हैदर, ओ हैदर क्या कर रहे हो पुत्र? इस्लामुद्दीन जी यहाँ पे मोबाइल चला रहा है। सकूल पढ़ आए हो? कब आए हो? अच्छा नूर मोहम्मद भी है, क्या हाल है नूर मोहम्मद साई, ठीक है? अब तुम्हारी जंग कैसी है? जंग ठीक हो गई है? चलो माशाल्लाह। तो जैसे आपने सुना कि इसको ऊपर छत के ऊपर लेके जा रहे हैं, वहाँ पर चलाएंगे और सिग्नल की लेने वाने जो है वो रिसीवर वगैरह का ये सेटअप जो है बना लेंगे। तो मसाद तो कह रहा है इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द इसको ना सेट कर लेंगे।
हाँ लोकेशन नहीं ट्रेस्ट हो रही थी। अच्छा आप तो ट्रेस्ट हो गई है, पता चल गया कैसे लोकेशन गॉड हो गया जी। कोई भी अगर यूएसबी खरीदे तो ये वाली खरीदे, इसको बोलते हैं किंगस्टोन, किंगस्टोन की किंगस्टोन की ओरिजिनल ओरिजिनल जी। हाँ ये वाली, ये 32 GB की है। हाँ जी। लेकिन ये 64 GB डेटा भी इसमें आ जाता है। वाह तो पता है क्यों, 32 GB एक बार कॉपी करके कंप्यूटर में डाल लो, दूसरी बार 32 GB करके डाल लो। ये ऐसे नहीं लगा मेरा बड़ा बड़ा जी बड़ा VIP लगा है। आवाम को थोड़ा सा बेवकूफ बनाने का सोचा जा रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे ये देखें जी, ये फन है, ये फनी बातें होती हैं जी हंसाने के लिए। हाँ जी ये तो बहुत अच्छा काम हो गया आज। ये सेटअप वगैरह जो है बना हुआ है, दरवाजे भी लगी हुई हैं जी। तो यहाँ पे ये देखें, ये खूबसूरत निजाम यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे होती है LED जो अभी जो उतार ली गई है। ये सेटअप, ये सेटअप चेक कर लें जी, ज़बरदस्त हो गया जी। नाश्ता जो है पता नहीं नाश्ता नुश्ता कर लिया गया है या नहीं कर गया। यहाँ पे मिसाले नज़र आ रहे हैं और ये एक पतीला मेरे ख्याल में चाय वाला नज़र आ रहा है। तो देखते हैं अभी, यहाँ पे चाय बनी हुई है, वेरी नाइस चाय बनी हुई है। इसको थोड़ा ना गर्म करवाते हैं, फिर चाय की यहाँ पे चुस्की लेते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में चाय पी ली है। भाभी साहबा आ जाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कर रही हैं। और ये चाय का अगर बंदोबस्त हो जाए तो हम पी लेंगे। हम तो ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, जहाँ पे चाय मौजूद हो हम तो कह देते हैं भी चाय देव जी, ज़बरदस्त चाय है। अल्हम्दुलिल्लाह जी चाय जो है मिल चुकी है, अभी चाय पीते हैं। जिस किसी ने चाय पीनी है तो हमारे साथ आकर पी सकता है। तो इतनी देर में चाय पी के ना फिर आपसे बात करते हैं जी। ओके हो गया जी, चाय जो हमने पी ली है। तो यहाँ पे मैडम आ गई हैं, इनको पता नहीं किसने बताया कि वहाँ पे चाय जो है वो पी रहा है। नहीं नहीं चाय देख मैं देख कर नहीं आई। अच्छा बाजी आई थी मेरे पास, उन्होंने कहा है कि असलम कह रहा है कि दाने जो है ना इकट्ठे कर लो छत के ऊपर जो पड़े थे। हाँ जी। तो हम ना वो अपना टोकरा शोकरा बनाते हैं, तो मैंने कहा रात में तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने इकट्ठे नहीं किए थे। तो शबनम पड़ी है, वो शमदन जो कहते हैं वो पड़ गया, दाने हो गए गीले। तो अभी इकट्ठे ना करो तो एक साइड में जितना उनका काम जिस जगह पे कर रहे हैं वो जगह खाली कर देंगे, बाकी दूसरी साइड पे उनको मैंने ना इकट्ठा करके डाल दिया। मैंने कहा आज के दिन धूप लग जाएगी ना 3-4 बजे फिर जो है ना बाजी उसको हवा देकर ड्रम में डाल देगी। ठीक हो गया जी। इसी काम के लिए आई थी और इधर आके बैठ गई, खा के गई थी। नहीं नहीं वो बात नहीं, मैंने बाजी को खुद भेजा था आपके पास, जो करना है उसको बताओ। आपने इतनी लंबी कहानी सुना दी है। और यहाँ पे साहबा क्या हाल है भाभी, इनसे पूछा है, इनसे पूछा है पता क्या हुआ इनके साथ, ये बैठती है तो उठ नहीं सकती, उठती है तो फिर बैठ नहीं सकती, तो पूछें क्या मामला है। ये मैं ना गिर गई है, गिर गई इस्लामोदी बैठा। हाँ उधर ही खड़ी थी मैं, हैदर लिखने के ऊपर छत पे गया था ना, उधर सही तरीके लेके आ गई, फिर उधर जाके मैं खड़ी हो गई। तो 2 मिनट ना ऐसे खड़ी रही मैं, तो मुझे ऐसा लगा ना किसी ने पीछे से आपने मुझे धक्का दिया है, ऐसे मैं जाके गोटा भी मेरा नीचे लगा हमें कौन सी आदत है, हम तो इतनी इतनी कस्सी हम बनने पे गुजरते रहते हैं, वजन उठा उठा के कच्चे में हम रहने वाले और हमको लगा दे आज बार बार तो हमारी टांगे बाजू टूटेंगी नहीं टूटेंगी। इसी तरह जैसे उनके साथ चक्कर आया था, चक्कर आता है ना तो पता चलता है कि चक्कर आ गया, कुछ भी नहीं है, ना चक्कर आया है, ना मेरा पांव कहीं फिसला है, ना कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे खड़े थे, मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझे
धोखा दिया है। कोई आपके पास नजदीक तो नहीं था? कोई नहीं था, हैदर अली से मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो अल्लाह खैर करे, मेरे जहन में जो बात आ रही है मेरे ख्याल में जिन है। तो पहले भी ना दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि मेरा ना एक घोड़ा ना चल गया, तो वो ही जगह मैं उधर ये ना कमरे से बाहर तो वहीं पर मेरे जूता पड़ा था, तो मैंने वहां पर जाके ना एक हाथ मेरे सीढ़ी को पकड़ा तो जूता पहनने लगी, अचानक से मेरे घोड़े पर ऐसे मरोड़ी आ गई जैसे पैर फिसलता है। उस वक्त भी ना ही मेरा पैर फिसला था ना ही कोई मरोड़ी आई, ऐसे मेरे घोड़े को ना जैसे पकड़ के ऐसे खींच लेते ऐसा हुआ। फिर कल भी वैसा उसी जगह पर मैं खड़ी थी, ऐसा लगा कि धक्का दिया मैं नीचे जाके। मैं उस वक्त से मैं खुद भी परेशान हूँ, सोच रही हूँ कि क्या हुआ क्या है। आपको पता है? हाँ, पता है। चलो जी, अल्लाह खैर फरमाए। एक तो ना वो उधर है अपना, वो जो उनकी गैलरी है ना उसमें प्रॉब्लम है रेस्टोरेंट की, तो इधर भी है कुछ प्रॉब्लम। वैसे तो देखा जाए तो इंसान से भी ज्यादा। हाँ जी, कोई जगह खाली, कोई जगह खाली नहीं। तो वो रोज आके मरोड़ियां दे जाए इनको तो नहीं है। आप पढ़ा करो ना। हाँ जी, जी पढ़ते तो है, रात को जब होती है दुरूद शरीफ पढ़ के सोती नहीं, जब आपको आपके दिल में आ गया वो जगह ऐसी है हाँ। तो उस जगह पे जाने से पहले आप पढ़ लिया करो। हाँ जी, ऊपर छत पे जाना है तो उधर से ही गुजरना है, जब कोई नीचे आना तो उधर से ही गुजरना है, आना जाना रास्ता तो वही है ना। अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको, ज़्यादातर टेंशन की ज़रूरत नहीं बीमारी को लेके, ठीक है जी। ये आपकी शुगर जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, इसका मतलब ये मुस्तकिल नहीं रहने वाली, ये ना छोड़ जाएगी। अगर एहतियात करेंगी, टाइम पे दवाई लेंगी, या जैसे कि कमेंट वालों ने और जैसे बाजी ने बताया कि चीज़ें ये देसी टोटके करें तो हो जाएगा, जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, फिर ऊपर भी नहीं जाएगी। ठीक हो गया। हाँ जी, अब तबीयत कैसी है? चलो माशाल्लाह। कुछ नजर भी आ रही है कल? हाँ, पहले तो बहुत ज्यादा थी ना, होंठ खुश्क थे, चेहरा उतरा हुआ था, ऐसे चेहरे पे ऐसे काली स्याही नजर आती थी। हाँ जी, अब तो वैसा भी नहीं, अब तो सही है। चलो जी, अल्लाह पाक करम फरमाए, तमाम मुसलमानों को, तमाम देखने वालों को अल्लाह पाक खुश रखे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, देखते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे मशवरे जो है उन्होंने दिए हैं इस बीमारी के बारे में, तो हम उन पर अमल कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। डंडे उठा के आ गई हैं, डंडे पे चल रही हैं? नहीं, वो चक्कर आ रहे थे ना। अच्छा, इसका सहारा लेके उधर गई थी साहिबा के यहाँ, फिर इधर आ चुकी है। हो सा चढ़ जाता है, फूल जाती है, क्यों? वीकनेस है, कमजोरी है, शुगर कमजोर करती है ना, वैसे देखने में तो हार्टी बॉडी है लेकिन अंदर कुछ हो ना, ये बात है। और यहाँ पे जी ढोला और ढोले की अम्मी जो है यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं, वो भी प्याज के साथ, और साथ में दही भी और साथ में दही भी आ गई है। दही में चीनी तो नहीं डाली? नहीं, मैं चलो सही है, बहुत अच्छा किया। और ये जो है इसमें ऐसे ही खा लें तो मीठे से परहेजी करनी है। हाँ जी, नींबू पड़ा है तो वो भी ले आओ फ्रिज में, नींबू। हाँ पता नहीं है, हाँ पड़ा है, पड़ा होगा पुत्र। वो कौन है वे? हैदर आ गया है। ओ आ गए हो, ये ना सुबह ना परले कमरे में वड़ गया, ये हैदर अली अंदर से कुंडी लगा ली, फिर बोल रहा मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो, किसने कहा था कुंडी दे दो पागल, फिर पता नहीं पैसे कैसे इसको निकाला है। आपने कुंडी लगा ली थी, फिर रो रहे थे। हाँ, किसने निकाला था? मम्मा ने। फिर आपको मारा है? मारा है मुझे पता है।
बेटी ले आओ बेटा। और बच्चे भी शामिल हो गए हैं जी, मेहरान भी, ज़ैनब भी, बीबी भी, सभी जो है अभी खाना शुरू कर दिया है जी। कोई सुलह मुलाए मारे को किसी को, आ जाओ आप भी आ जाओ, मैं तो आ जाता हूँ। बाकी देखने वाले बहन भाई, देखने वाले बहन भाई जिसको खाना खाना है हमारे साथ, ये दही है, प्याज है, रोटी है, रोटी है। मेरे बच्चे भी मेरे साथ। हाँ जी, यदि किसी ने खाना हो तो आके खा सकता है जी। यहाँ पे फिर हम कर रहे हैं व्लॉग का इख्तिताम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।